हिंद प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आगरा में चल रही भर्ती वो क्या है, कितने कैंडिडेट वहां पकड़ रहे हैं और क्या टाइमिंग दी जा रही है। 10 अक्टूबर तक ये भर्ती चलने वाली है दोस्तों। लेटेस्ट लगभग आपको 5:15 के समथिंग टाइमिंग दिया जा रहा है। लगभग एवरेज अगर निकाला जाए तो 5:10 से 5:15 के बीच में टाइमिंग दिया जा रहा है। और आपके बैच जो है, जो 400 मीटर का आपका ग्राउंड है और दोस्तों 4 चक्कर आपके लगवाए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करें 200 कैंडिडेट का जो यहाँ पर बैच बन रहा है और लगभग 15 से 20 के बीच में लगभग बैच में प्रत्येक में पकड़ रहे हैं। 15 के समथिंग कैंडिडेट जो है प्रत्येक बैच में पकड़ रहे हैं। बात डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको कुछ कंप्लीट डिटेल बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स जो है, बिना डॉक्यूमेंट्स के काफ़ी कैंडिडेट जो है बाहर हो रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करें अगर आपके लिए, तो सबसे जो मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वो है दोस्तों आपका एफिडेविट। एफिडेविट दोस्तों आपका तहसील से बना हुआ होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आपकी मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास ओरिजिनल 10वीं की। उसके बाद आपका आधार कार्ड और दोस्तों फिर एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड पर दोस्तों आपका जो फोटो है वो लगा हुआ होना चाहिए और तिरछे रूप में उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों 20 फोटो आपको जो है ये आपके रनिंग के बाद चाहिएंगी, जो कि आपकी व्हाइट बैकग्राउंड पर होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपका चरित्र प्रमाण पत्र, एक सरपंच से बना हुआ, दूसरा आपका जो है स्कूल से बना हुआ। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो को आपको रनिंग के बाद चाहिएगा, या आप बनवाना चाहें तो पहले ही बनवा के रेडी रखें। इसके अलावा दोस्तों अविवाहित प्रमाण पत्र जो कि सरपंच बना के देगा। इसके अलावा एक नो रिस्क सर्टिफिकेट जिसमें आपके माता पिता के सिग्नेचर हों कि आपको भर्ती में अगर कोई भी हानि होती है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। एक दोस्तों आपका कोविड सर्टिफिकेट, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर जो आपने डोज लगवा रखी है कोविड की, उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट आपको लेना है। इसके अलावा दोस्तों एक जाति प्रमाण पत्र और एक दोस्तों आपको मिलेगा मूल निवास प्रमाण पत्र। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स आप अवश्य रूप से लेकर जाएं, इन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों प्रत्येक भर्ती में एआरओ की, कहीं किसी भी एआरओ की भर्ती हो, ये डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप अन्य एआरओ से बिलोंग करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स जरूर से बनवा लें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। साथ ही आप लोगों को कॉमेंट करना है कि आप जो है ये भर्ती देखने जा रहे हैं, किस एआरओ से आप बिलोंग करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं आर्मी अग्निवीर के एग्जाम की या फिजिकल की, दोस्तों आज ही ज्वाइन करिए अलवर डिफेंस एकेडमी, ज्योतिराव फुले सर्किल अलवर। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस एकेडमी से अभी हाल ही में 6 दिनों में 27 जो है फिजिकल पास किए हैं। फिजिकल और मेडिकल दोनों फिट है 27 कैंडिडेट, जिसमें से कुछ लोगों ने एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट और दोस्तों गुड, और काफ़ी कैंडिडेटों ने यानी कि बढ़िया जो है यहाँ पर आपको जो इनका रिजल्ट दिया है, जो फिजिकल की जो इन्होंने तैयारी करवाई है द अलवर डिफेंस एकेडमी, जो कि दोस्तों आपके मुकेश शर्मा सर और वीरेंद्र यादव सर के द्वारा संचालित है। दोस्तों इसमें आपको बढ़िया एग्जाम की तैयारी के लिए 21 सितंबर से नए बैच बनाए जा रहे हैं। ये दोस्तों आपका जो है बढ़िया फैकल्टी के द्वारा आपको इसमें अध्ययन करवाया जाएगा। साथ ही आपका जो दोस्तों प्रतिदिन इसमें टेस्ट लिया जाएगा, रहने की और दोस्तों खाने की पूरी हॉस्टल व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ ही आपकी कोचिंग की व्यवस्था और साथ ही आपके फिजिकल की व्यवस्था पूरा यानी कि अकेडमी में आपको फुल सिस्टम यहाँ पर मिलेगा। आप अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं सलेक्शन के लिए, चाहे आप टेक्निकल से हो, आप ट्रेड्समैन से हो, चाहे आप जीडी से हो, चाहे क्लर्क से हो, तो आप किसी भी ट्रेड से अगर हैं, अगर आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए द अलवर डिफेंस एकेडमी, ज्योतिराव फुले सर्किल अलवर। दोस्तों स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन दोस्तों देकर जो है अलवर में एक नया इतिहास रचा है, जो आपको 27 कैंडिडेटों ने अभी तक दोस्तों कर चुके हैं और अभी अभी बाकी पेंडिंग भी है, जिसमें भी अभी कुछ कैंडिडेट अभी करेंगे। तो दोस्तों बढ़िया आपके लिए अकेडमी रहने वाली है। जय हिंद, जय भारत।